हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ फेलियर ऑफ बिटुमिनस रोड्स की। अभी तक तो हमने बहुत तारीफ की कि बिटुमिनस रोड ऐसी है वैसी है, WBM से बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद उसके अंदर भी फेलियर आने लगता है। जाहिर सी बात है, फेलियर आएगा, हम उसको फिर से रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर हो किस कारण से रहा है। अगर हमें वो फेलियर पता चल गया तो उसमें हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण से कम फेलियर हो और हमारा जो पेमेंट है वो इकोनॉमिकल निकल के आए इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, रिन्यूअल, वॉट एवर द थिंग इज। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं फेलियर के। तो सबसे पहली चीज़ के डिज़ाइन ट्रैफिक अगर इंक्रीज हो जाए, तो सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि एक दिन में उस पर्टिकुलर पेमेंट से 1,000 ट्रैफिक जाने वाला है, तो मैंने डिज़ाइन कर दिया, मैंने सपोज मान के चला कि 1,020 गाड़ियाँ जाएंगी, इतनी यूनिट्स जाएंगी। बट अगर उस पर्टिकुलर पेमेंट से 1,500 2,000 ट्रैफिक हो रहा है रोज, यूनिट्स उस यूनिट्स पे गाड़ियाँ अगर ट्रैवल करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उतने लोड के लिए तो डिज़ाइन नहीं हुई है। तो वो एक सबसे बड़ा कॉज क्या हो सकता है कि डिज़ाइन ट्रैफिक से ज़्यादा अगर हमारा इंक्रीमेंट हो गया, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है उसके फेल्योर का। दूसरा, कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स। कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट मतलब कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस दौरान कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट से अगर गड़बड़ी हो गई हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बिटुमिनस लेयर के फेल्योर का। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने क्वांटिटी का, क्वालिटी का, इन चीज़ों का ध्यान ना दिया हो, या फिर आपने क्वांटिटी जहाँ पे कम करनी थी वहाँ ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा करनी थी कम कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट हो सकता है। वहाँ पे मैन पावर भी जिम्मेदार है, मटेरियल क्लाइमेटिक, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तीसरी, नॉर्मल वियर एंड टीयर, अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण हो सकता है। और चौथी चीज़ क्या कि अगर हमने बियरिंग कोर्स, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कोई हम यूज़ करते हैं, यूजर्स रोड यूजर जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमने सॉफ्ट स्टोन का यूज़ किया हो, तो ये तीन चार चीज़ें थी जो कि फेलियर का कारण होती है बिटुमिनस लेयर का। सबसे पहले जो डिज़ाइन ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो जाए, दूसरा कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट, तीसरा बियर एंड टीयर, और चौथा सॉफ्ट स्टोन का यूज़ करना बियरिंग कोर्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।